रोल इसमें है पंजाबी पॉप सिंगर लखविंदर लाखा उर्फ लवली लाखा. ही इज़ अ बैड एस क्रेजी गाय. ही हैज़ ऑल द पॉसिबल वाइसेस. ही इज़ इनटू ड्रग्स. ही इज़ अ वुमनाइजर. हिला हुआ है पूरा, मतलब जिसे बोलते हैं ना. बट ये ऐसा क्यों हुआ, इसके साथ ऐसा, इसने क्या देखा या क्या एक्सपीरियंस किया कि वो ऐसा बन गया, वो आप सीरीज़ देखेंगे तो पता चलेगा आपको. सिर्फ किरदार सुना और मुझे एज एन एक्टर फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा प्ले करने को मिला जहाँ पे बहुत फ्रीडम मिली है, बिकॉज इन ऑन टेलीविजन फिल्म्स में इतनी फ्रीडम नहीं मिलती एक्टर को. कि तो मुझे किरदार सुना एंड आई गॉट सो एक्साइटेड. तो आई सेड यस. एंड अगर आप देखेंगे तो कितना इम्पोर्टेंट है ये किरदार और कितना एंटरटेनिंग है, कितनी वेरिएशंस हैं जो भी मैंने काम किया, आपको बहुत मज़ा आया. मेरे साथ टचवुड ग्रेस ऑफ गॉड ऐसा कुछ नहीं हुआ, बिकॉज आई वॉज डूइंग टेलीविजन फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. तो मैंने आज तक कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया. एंड बट आई कीप ऑन हियरिंग द स्टोरीज कि बहुत लोग ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं, यू नो, एक्सप्लॉइट होते हैं और बेवकूफ़ बनाया जाता है. जस्ट न्यू कमर्स आर नाइव, दे आर इनोसेंट, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट दे वांट. दे नो व्हाट दे वांट, बट कभी कभी क्या होता है, दे लूज ट्रैक एंड कभी कभी उनको गलत लोग मिल जाते हैं. तो इवन आर वेब सीरीज इज पुटिंग अ लाइट ऑन अ डार्क साइड ऑफ बॉलीवुड. और डार्क साइड हर जगह होती है, ये नहीं कि बॉलीवुड में ही है. आप कहीं भी काम कर रहे, कॉरपोरेट हो या कहीं पर भी हो, एवरी प्लेस हैज अ डार्क साइड. तो हमने थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश की है. हैशटैग मीटू इसलिए चूज किया गया क्योंकि ए, ये ऑफ लेट बहुत ही ज़्यादा सनसनी खेज बन गया था. बहुत सारे लोगों ने अपनी बात, पीड़ितों ने अपनी कहानियाँ बाहर आके हिम्मत दिखाई थी कि सबके सामने आकर अपनी कहानियाँ सबको बयां करके. सो और बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि वाकई में है क्या. तो मी टू गुहार है उन लोगों की जिन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट जो गो थ्रू किए हैं, या फिर, और उसमें लड़का या लड़की दोनों हो सकते हैं, एंड जिन लोगों ने गो थ्रू किया है मेंटल ट्रॉमा इस वजह से, तो ये उन लोगों की गुहार का कैंपेन है, उन लोगों की टीस का कैंपेन है. तो बस उसी चीज से इंस्पायर होके, इंस्पायर क्या, बल्कि हमने तो हैशटैग मी टू यूज किया है. तो ये इसलिए भी ताकि जिन लोगों को इसकी क्लैरिटी नहीं है कि ये क्या है, वो लोग भी सतर्क सजग हो जाएं इसके प्रति. जी मैम, तो आपको कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? मेरे ख्याल से हर एक बिगनर को हमेशा कहीं ना कहीं सजेशंस, एडवांसेस ऐसे गो थ्रू करते ही हैं लोग. मैंने भी किया है. एंड एज एन इंडिविजुअल हमेशा से ये सूझबूझ थी, ये समझ थी कि मुझे ओवरनाइट स्टारडम नहीं हासिल करना. एम्बिशियस थी, पागल नहीं थी. तो एम्बिशियस और पागलपन में थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि आप अक्सर जल्दबाजी में, पागलपन में एक गलत स्टेप ले सकते हैं और उसका नतीजा हमेशा डाउनफॉल ही होता है. क्योंकि आप जितनी जल्दी सीढ़ी चढ़ने की सोचते हैं, उतनी जल्दी आप नीचे उतरेंगे. उससे ज्यादा अगर आप फोकस करेंगे अपनी एक्टिंग स्किल्स को तराशने का, उस पर फोकस करेंगे, तो मेरे ख्याल से आप लंबे अरसे तक यहाँ पर टिक सकते हैं. दिस इंडस्ट्री इज फॉर द टैलेंटेड लॉट. लेकिन इसमें एक अलग, जो एक अनस्पोकन साइड भी है इस मीडिया इंडस्ट्री की, वो साइड लोगों को, बिगनर्स को पता रहनी चाहिए. और फिर उनका चॉइस है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, ये भी पता होना चाहिए. ये नहीं बोल सकते कि अरे यार, आई हैड नो चॉइस, बिकॉज यू आर मेकिंग अ चॉइस बाय सेइंग यू हैव नो चॉइस. देयर विल ऑलवेज बी अ चॉइस, देयर विल ऑलवेज बी अनदर रोड. हाँ, हो सकता है कि तब टेम्परेरली आपको लगे कि आप बहुत कुछ खो रहे हैं, या फिर आपके हिस्से कुछ नहीं आ रहा है, या जो फिल्म थी आपके हाथ से निकल गई, लेकिन इन द लॉन्ग रन आपको बहुत कुछ हासिल होगा, आपको रिस्पेक्ट हासिल होगा. आप सिर्फ और सिर्फ लोगों को, पैसे को और समय को, इसको अहमियत दें. मैम, जो न्यू कमर्स आते हैं मुंबई में, ठीक है, बॉलीवुड के लिए, तो उनको आप क्या मैसेज देना? उनको यही देना चाहूंगी कि बिगनर्स को पता होना चाहिए कि देर आर टू साइड्स ऑफ द इंडस्ट्री. जो एक साइड है वो अभिनय, प्योरली एक्टिंग और प्रदर्शन पे फोकस करता है. दूसरा, जो कि मैंने बोला, अनस्पोकन है, जिसमें अलग अलग पावरफुल जो लोग हैं, जो गुड एंड बैड में जो वुल्व्स हैं, वो हमेशा ये कोशिश करेंगे कि ये जो अलग अलग जरिए हैं, वेब सीरीज के जरिए, या टीवी का पर्दा, या फिर फिल्म का पर्दा, या फिर थिएटर का पर्दा, ये सारे विंडोज हैं शॉपिंग के. तो मैं हमेशा से ये मानती हूँ कि जो पावरफुल पोजिशंस पे हैं, जो कि
बैड वन से आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ, कि जो लोगों को आपका फ़ायदा उठाने में अपना पावर गेन करते हैं, तो वो लोग हमेशा ऐसे एरियाज से विंडो शॉपिंग करते हैं, और जो भी बेचारा डेस्परेट होता है उसे लगता है ये उसका समय आ गया है। ऐसा नहीं है, उस समय आपको अपने आप को रुक कर पूछना है कि ये इतनी आसानी से क्यों हो रहा है मेरे साथ। अगर आप टैलेंटेड नहीं, और हर इंसान को पता होता है कि अभी उसमें बात बाकी है, अभी उसने वो सब हासिल नहीं कर पाया है, तो फिर उसको एकदम से ये क्यों मिल रहा है। तो जरूर उस, अगर वो सजग, सतर्क और एक सही गाइडेंस मिलती रहे, तो बिगनर्स के साथ ऐसा नहीं होगा, ओवरनाइट स्टारडम नहीं मिलती किसी को। लेकिन अगर आपके पास सही गाइडेंस है, सही काउंसलिंग है, सही जगह पे आप अगर फ्रेंड्स हैं आपके सही इस इंडस्ट्री में, तो आपको टाइम टू टाइम सतर्क करते रहेंगे। यहाँ पर कुछ भी जल्दबाजी में मिलना डेंजरस हो सकता है। लाइंस ऑफ गुरु रंधावा या हनी सिंह या वो अपना उड़ता पंजाब में जो शाहिद जी का कैरेक्टर था, वेरी सिमिलर टू दैट, जो पूरा ड्रग्स में घुसा हुआ है, वुमनाइजर है, पूरा बैड एस है, मतलब ही इज अ क्रेजी गाय। और वो ये ऐसा क्यों बना, तो इसका एक कारण दिया गया है, वो आप देखेंगे तो आपको पता चले। I wanted to watch it for the third time also. So Josh is like, wow, what a series, man. Yeah. So hashtag me too rocks. And mera kirdar usme aapne dekha hi hoga, sari clad ladki, sirf sari jo pehne wo main hi hu me too mein. And social worker dikhai hu, Bollywood actress dikhai hu. तो ज्यादा तो नहीं बताना चाहती अपने किरदार के बारे में, नहीं तो देखो कि क्या मतलब इतना जो अमेजिंग सीरीज बनाई है, सारा किरदार यही बताएंगे तो वो सब मसाला निकल जाएगा। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट यू नो मोर ऑन द लाइंस ऑफ द कैरेक्टर। सोचती हूँ कि मी टू जो मूवमेंट है इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तरीका, मतलब दो तरीके नहीं, इसके दो साइड्स होते हैं। एक तो वो जिसमें जेन्युइन स्टोरीज होती हैं, जो लोगों के साथ घटित हो चुकी हैं या घट रही हैं, तो दूसरी हैं जो फैब्रिकेटेड होती हैं। पहले जो पहला साइड है उसमें ज्यादातर जो पीड़ित है वो अपना जो इशू है वो रिजॉल्व करता है काउंसलर्स के पास जाके, या फिर हमारा लॉ एंड ऑर्डर है वहां जाकर जस्टिस मांगता है। ओके, क्योंकि ये एक बीमारी की तरह है जो 10 साल 15 साल पहले हुई थी उस इंसान के साथ, तो जाहिर सी बात है एक बीमारी ही हुई जो 10 साल से उसके अंदर है, लेकिन तब वो शायद बिगनर था या थी, इसलिए वो उस पोजीशन पे नहीं था कि वो मुंह खोल पाए। अब वो शायद थोड़े से ज़्यादा पावरफुल पोजीशन पे है और कॉन्फिडेंटली शायद बोल सकता है। लेकिन जो दूसरा साइड है, जो फैब्रिकेटेड साइड है, उसमें हमारा ग्लैमर, पब्लिसिटी, हमारा मीडिया आ जाता है, जहाँ पे एक ऐसा मुद्दा जो उठाया जाता है, जो हैशटैग मी टू जो रातों रात ओवरनाइट सेंसेशन बन जाता है, तो कई सारे लोग इसे अटेंशन सीक करने का जरिया या फिर यू नो पब्लिसिटी और ग्लैमर से अपने आप को अटैच करने का जरिया भी बनाते हैं। तो मी टू की जो कहानियां हैं जेन्युइन होती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उन जेन्युइन स्टोरीज को कहीं ना कहीं पहले अपने आप को इंटरनली सॉर्ट करना चाहिए। सारी चीजें जब हो जाए, जस्टिस उन्हें लगता है नहीं मिले, तब शायद वो आके अपनी बात कह सकती हैं, रख सकती हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, लांछन लगाना, बातें बढ़ा चढ़ा के बोलना, कीचड़ उछालना, ये सब होता है। तो इन सब चीजों से पहले वो अगर अपने आप को अंदर सॉल्व, खासतौर से सुशांत और मुझे तो मतलब काफी दबाव आया, बट कुछ लोग खुल के नहीं आए। दबाव आया कि मत करो, आपको सच्चाई नहीं पता है। और ये कमाल की बात यह है कि जब मैंने ये शूट किया था, ये सब उससे पहले हो चुका था, है ना, बट 90% ऑफ द पीपल सपोर्टेड अस कि आप लोग जो कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या किया था कि जब तक सच्चाई हमारे सामने नहीं आती है, और इसलिए हमने आईसी कमेटी लिखा था, कुछ आप किसी को दंड नहीं दे सकते। सिंटा इज अ ट्रेड यूनियन, सिंटा इज नॉट अ लॉ बॉडी। हम एक्टर्स हैं, हम एक्टर्स के बेनिफिट के लिए काम करते हैं, लेकिन अगर हमारे एक्टर्स सेक्सुअली एक्सप्लॉयड होते हैं या सेक्सुअली हैरेस्ट होते हैं, मेल या फीमेल, तो वी नीड टू टेक अ कॉल ऑन दिस। और मैंने लास्ट टाइम भी ये कहा था कि जब हम एक्टर्स की बात करते हैं, तो अगर हम एक्टर्स का कॉज ले रहे हैं और हमारे लेने की वजह से अगर दो चीज़ें भी अगर सुधर जाती हैं, तो हम जितने लोग मीडिया में हैं हम सबको इसका बेनिफिट होगा। अगर दो केसेस एज कम अंडर द विशाखा गाइडलाइंस, सो आर आइडिया वॉज दैट वी वर नॉट ट्राइंग टू मलाइन एनीबडी, बिकॉज हम इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इफ द इंडस्ट्री वॉज वेरी बैड,
या इतनी खराब होती तो हम लोग अभी तक नहीं रहते यहाँ पर। लेकिन हाँ कि 80% लोग अच्छे हैं तो 20% लोग खराब हैं। अब वो जो 20% लोग हैं उनके अगेंस्ट जो भी केसेस हैं वो आज खुल के आ रहे हैं और हमारे मेंबर्स हैं, वी नीड टू टेक अ कॉल, वी आर आंसरेबल टू देम। एंड हमने वही कोशिश की कि भाई जितना हमारे बस में था हमने किया। अभी तक केसेस अंडर इन्वेस्टिगेशन है एंड आई मीन बिलीव मी वो और इसमें कोई मतलब रिलेशन नहीं है, बट सिंस आपने पूछा तो यस वी हैव टेकन इट अप। दबाव भी आया, कुछ लोगों ने इनकरेज भी किया और आज भी कुछ लोग एनकरेज करते हैं, आज भी कुछ लोग दबाव डालते हैं। So, I don't know, I totally don't agree on this. मेरे, like I said inside also, that ये me too, we too, people ask for baby come here, baby let's do dinner, let's go there. ये सब बिलीव मी, मैं भी लखनऊ से आई हूँ एंड मैंने भी 3 साल यहाँ पे स्ट्रगल किया, दिस इज माई फर्स्ट वेब सीरीज, नाउ वर्किंग इन साउथ। ये yesterday I was sitting at Banti Walia's production house. Nobody was talking to me like this. Nobody asked me for anything. They took my audition. They asked me some professional question. ये जो बातें करते हैं ना, ये actually जिन्होंने ना कभी movie बनाई है, ना जिन्होंने कभी ad बनाई है, और ना ही जो कभी बनाते हैं। And I think आप लोग भी शायद इस बात से agree करोगे, क्योंकि आप लोगों ने मेरे से ज़्यादा देख रखा है। आप लोग बहुत time से हो यहाँ पे, तो I don't think so कि वो बड़े लोग ये सब बोलते हैं। एंड आई एम नॉट से कि बड़े लोग ऐसे नहीं करते, जो मेन लोग काम कर रहे हैं, जो मेन प्रोड्यूसर या डायरेक्टर्स हैं, उनके अंदर भी एक दो तो होता ही है ना यार, ऐसा तो सिंपल सी बात है, एक दो तो होता ही है। आई थिंक ईशा आल्सो विल बी एग्री विद दैट। या आई लाइक, मैं गहना सॉरी गहना मैं इनके साथ बिल्कुल भी एग्री विद हर, कि इन्होंने जो बात कही पहले तो मेरे शौक, मुझे बड़ा शौक लगा कि ये मतलब इनकी ऐसी कैसी समझ है, क्या इनको ऐसा लगता है कि जो भी अब तक मीटू इतना बड़ा एक मूवमेंट हुआ है, क्या सब लोग झूठ बोल रहे हैं? एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम यूएस बाय द वे, इट्स नॉट स्टार्टेड फ्रॉम हियर। और हर कोई लड़की झूठ नहीं बोलेगी, तो एक प्लेटफॉर्म है। तनुश्री की जो आप बात कर रही हैं, आप तनुश्री का नाम लेके आई, नॉट नेम, मैं किसी को नाम नहीं लूंगी, आप जो भी बात कर रही थी एकदम से आगे खड़ा हुआ, जरूरी नहीं जो बात 10 साल बाद तूल पकड़ी हो, जरूरी नहीं कि वो बात गलत हो। आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, और ऐसी बहुत लड़कियां मैं जानती हूँ जिनके साथ ऐसे वाक्य हुए हैं, जिनको हैरेस किया गया है चीजों को लेके। और बात ये नहीं है कि आप उसे मना कर दो, ये बात आती ही क्यों है? आपको आपके एक्टिंग के बेसिस पे काम देना चाहिए, ना कि ये आपने जैसा कि बोला कि आप मना कर दो। मना क्यों कर दो, ये बात ही नहीं आनी चाहिए यहाँ तक। ये ऐसी बातचीत आना बिल्कुल गलत है। बीच में 2-3 हमारे बहुत ही विख्यात प्रोड्यूसर्स के ऊपर ऐसे इल्जाम लगे, और मैं जिन लड़कियों ने लगाए मैं पर्सनली उन्हें जानती हूँ, तो जितनी समझ मेरी है, जितना मैं उनको